चलिए। नमो बुद्धाय साथियों, हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसमें हम बिहार राज्य में हैं, बिहार, और यहाँ पर बौद्ध गया से भी हम लोग निकले हैं, यहाँ जा रहा हूँ नालंदा राजगीर, लेकिन रास्ते में ये बौद्ध बिहार हम लोग देखे जो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इस बौद्ध बिहार का क्या नाम है, इस जगह का क्या नाम है, अभी हम अंदर चल कर के पता करता हूँ। हम दिखा रहे हैं जिसे यहाँ पर स्वागत के लिए ऐसे बनाया गया है, इसलिए अच्छे देखिए यहाँ पर ट्रैवल से दो दो ट्रैवल भी आकर यहाँ पर खड़ी हुई है, ये लोग भी यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए। तो अंदर का हम अभी दृश्य आपको दिखाना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, आइए यहाँ पर दिखा रहे हैं, आइए चलिए 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 कम फास्ट। ये देखिए यहाँ पर बहुत बिहार बना हुआ है, इधर आपको देखिए यहाँ पर क्या है, अभी सारी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। अरे हमारी हाँ आपकी भी आ रही है। आते रहे यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी स्टैचू बनी हुई है, यहाँ पर देखिए इस तरह की भगवान बुद्ध की स्टैचू है, और आगे यहाँ पर मेडिटेशन चालू है लिखा हुआ है अंदर जाने के लिए। यहाँ पर हमको लगता है विपासना सेंटर बनाया गया है, विपासना सेंटर, और यहाँ पर देखिए भंसे जी की स्टैचू बनी हुई है, ये यहाँ पर देखिए भंसे जी हैं, और यहाँ पर तथागत बुद्ध भी अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर भी भिक्षु लोग साथ में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए अभी तमाम पर्यटक लोग आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। ये कहाँ से हैं अभी उनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं और भी दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा है, बहुत अच्छा सुंदर जगह है, बहुत साफ सफाई भी है, और यहाँ पर भंथे जी हैं, और कौन है अभी पूरी जानकारी मैं लेता हूँ। ऐसे सर ये लोग आ गए बिल्कुल सर। बंसी जी का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अभी हम अपने चैनल के माध्यम से जानकारी लेता हूँ। बंदा बंसी जी, हम आपके बिहार पे आए हैं, जो बहुत बिहार बनाया गया है, बहुत काफ़ी खूबसूरत है, और अंदर मैं अभी घूम के देखा भी हूँ, तो हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाना भी चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर दूर दराज के जो पर्यटक आते हैं और इस बौद्ध बिहार की भी जानकारी लें, और यहाँ पर भी आए रुके और थोड़ा सा यहाँ का दर्शन करेंगे, जिससे प्रचार प्रसार भी होगा। तो बंदा मंत्री जी, आप अपना परिचय हमारे चैनल पर दीजिए। मेरा नाम ज्ञान जी थी, मैं चाहते हूँ इधर में लगभग 5-6 साल हो गया इधर, तो इधर जिस मौसम से शुरू होता है मेडिटेशन, और गर्म मौसम तो गर्म मौसम में दोस्त रहते मेडिटेशन नहीं चलते, तो सामने भी आने वाला अगले महीने 1 साल से शुरू होगा, लगभग 100 आदमी आने वाला है, तो ऐसा हर महीना 10 दिन कुछ होगा, अगले महीने से शुरू होगा। अच्छा, यहाँ पर विपासना सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर हर महीने 10 दिन के लिए लगाया जाता है शिविर। अच्छा, तो क्या कहाँ कहाँ के लोग आते हैं ये हमें बताएं। हर जगह से आदमी आते हैं, इंडिया आदमी आते हैं, पहले तो कोरोना होना पहले इंडिया 12 से ज़्यादा आते हैं, अभी तो 12 से नहीं आ पाते। यहाँ पर देखिए कोरोना काल रहने के कारण विदेशी पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के लोग दूर दराज से, कोई महाराष्ट्र, कोई बिहार, कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार से ही, कोई मध्य प्रदेश से तमाम जगह दर्शक आते हैं।
चलिए अच्छा, आपने और कुछ जानकारी देना चाहते हैं? सबको मैं आह्वान करना चाहता हूँ जो लोग दुखों की कामना करते हैं इधर आके मेरे दर्शन करना। कुछ हम जानकारी लेना चाहते हैं, यहाँ पर गुजरात से चल कर के आए हैं, इनका नाम है रमेश बैंकर बौद्ध जी, जो भगवान बुद्ध के विचारों पर जब से सर्विस से रिटायर हुए हैं उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं कैंप लगा करके और लोगों को जागृत कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार कर रहे हैं और इसी में काफ़ी लोगों को बौद्ध धर्म भी ग्रहण करवा चुके हैं अभी तक। तो हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, यहाँ आने का क्या उद्देश्य था और अभी तक आपके द्वारा प्रचार प्रसार में भी देखा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि इन्होंने काफ़ी लोगों को बौद्ध धर्म भी ग्रहण करवाए हैं। तो सर नमो बुद्धाय।